दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल। पूरी मोहल्ले में मिठाई बंटनी पड़ेगी। खुशखबरी ही कुछ ऐसी है दोस्तों। दिवाली से पहले इन राशियों को मिलेगा बम्पर लाभ। शनिदेव की कृपा से होगी धन दौलत की प्राप्ति। जिएंगे लग्जरी लाइफ। दोस्तों, जो आपके लिए बहुत खास है वह आपके करीब आएगा। बात और मुलाकात होगी, साथ में रिलेशन भी मजबूत होगा। साथ न केवल मानसिक खुशी देगा बल्कि आप अपने मतभेदों को सुलझाने में भी सक्षम होंगे। दोस्तों, यह छोटी छोटी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। यह वीडियो बनाने में दोस्तों सिर्फ आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल। इस वीक आपका अध्यात्म की शरण में रहने से आपको मानसिक तनाव नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करने से बचना आपके हित में रहेगा। आपके करीबी साथी कुछ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे। आपकी सफलता बहुत कुछ अन्य सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करेगी। आप बेवजह दूसरों में कमियां निकालने की अपनी बुरी आदत को छोड़े, नहीं तो वाद विवाद का कारण बनेगा। मस्तिष्क की शक्ति बाहुबल से बेहतर होती है। मानसिक दृढ़ता बढ़ाने का प्रयास करें। अपनी पिछली असफलताओं को भूलने से आपको गुणवत्तापूर्ण जीवन का आनंद लेने में मदद मिलेगी। इस वीक आप अपने लव रिलेशन के साथ शांति से आनंद उठाएंगे। अपने लव रिलेशन में शर्तें तय न करें और अशिष्ट व्यवहार से बचें। किसी रिलेशन में आलोचना की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आप किसी भी रिलेशन से किनारा कर लेंगे। इस वीक परिवार के सभी सदस्य उत्सव समारोह में व्यस्त रहेंगे। फैमिली में रोमांचक और दिलचस्प बातें और घटनाएं भी होंगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। संतान पक्ष से तनाव मिलने का योग बन रहा है। रिश्तेदार की आलोचना करने से घर का माहौल खराब होगा। घर में एक कमांडिंग स्थिति आपको अपने परिवार के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। इस वीक आपको अत्यधिक समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ टारगेट्स का पीछा करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। कार्यक्षेत्र में अपने अधीनस्थ कर्मचारी से काम करवाना और उनको कठिन परिस्थितियों में हैंडल करना बहुत मुश्किल कार्य है। शिक्षकों और इंजीनियरों को पदोन्नति और इच्छित स्थानों पर स्थानांतरण मिलने का योग बन रहा है। इस वीक आपका कोई बड़ा आर्थिक सौदा होने से धन लाभ का योग बन रहा है। आप किसी की आर्थिक मदद करेंगे। शेयर मार्केट में निवेश से धन लाभ की स्थिति मजबूत होगी। ज्यादा ब्याज वाले निवेश स्कीम में रुपए का निवेश न करें, आर्थिक नुकसान होता दिख रहा है। रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखकर समझकर सावधानी से करिएगा। इस वीक आपकी सोशल लाइफ व्यस्त रहेगी। आप सामाजिक कार्यों में कई कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। आपका गरीबों की मदद करने का प्रयास बहुत ही प्रशंसा का विषय है। आपका फेसबुक आईडी पर फ्रेंड लिस्ट पूरी हो गई है। अब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। आपका लेख चर्चा का विषय बनेगा। आपके लाइक्स और कमेंट बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया में आप उभरते हुए सितारे हो रहे हैं। इस वीक हृदय और संचार संबंधी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा क्योंकि इलाज से सकारात्मक लाभ होगा। आपके पाचन और श्वसन संबंधी समस्याओं से उबरने की संभावना है। वाहन को सावधानी से चलाएं, दुर्घटना होने का योग बन रहा है। आप किसी न किसी कारण से हॉस्पिटल जरूर जाएंगे। आपको अपनी शरीर की जांच करवा लेनी चाहिए। दिवाली से पहले इन राशियों को मिलेगा बम्पर लाभ। शनिदेव की कृपा से होगी धन दौलत की प्राप्ति। जिएंगे लग्जरी लाइफ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि के मार्गी होने से कुछ राशियों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय शनि अपनी स्वराशि कुंभ राशि में विराजमान है।
वहीं दिवाली से पहले यानी 4 नवंबर को सुबह 8:26 पर इसी राशि में मार्गी हो गए हैं। शनि के मार्गी होने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ हो सकता है। कर्मफल दाता शनि जातक को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। ऐसे में शनि रंग को राजा तो राजा को रंग भी बना देते हैं। जानिए शनि के मार्गी होने से किन राशियों की चमक सकती है किस्मत। मेष राशि। शनि मार्गी गति से इस राशि में 11वें भाव में रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। अपनी बुद्धिमत्ता से हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। कुंभ राशि में शनि के मार्गी होने से इस राशि के जातकों को व्यापार में काफी मुनाफा हो सकता है। नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह सबसे अच्छा समय होगा। इससे जीवन में समृद्धि आएगी। करियर के क्षेत्र की बात करें तो शनि के मार्गी होने से नौकरी में प्रगति के साथ पदोन्नति हो सकती है। सहकर्मियों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कार्यस्थल में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। नौकरी में आपके मन मुताबिक बदलाव भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन लाभ होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही बचत करने में भी सफल होंगे। इसके साथ ही जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। वृषभ राशि। इस राशि में शनि मार्गी होकर दशम भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को भी भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर के क्षेत्र की बात करें तो उन्नति मिलने के पूरे योग नजर आ रहे हैं। काम में काफी बिजी रह सकते हैं। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में भी उपलब्धि पा सकते हैं। नए स्तोत्रों से धन कमा सकते हैं। इसके साथ ही कोई नई डील साइन हो सकती है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ अच्छा मुकाबला करेंगे और इसमें आपको ही सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही शनि के मार्गी होने से धन कमाने में सफल हो सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। कन्या राशि। इस राशि में शनि मार्गी होकर 6वें भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को भी विशेष लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। नई नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। वरिष्ठ लोगों से अच्छी खासी पहचान होगी और इससे आने वाले समय में आपको लाभ भी मिल सकता है। नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण वेतन में वृद्धि के साथ इंसेंटिव और प्रोत्साहन भी मिल सकता है। करियर में आप बुलंदी को छू सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। आप अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ अच्छा मुकाबला देंगे। अच्छा खासा पैसा कमाने में कामयाब हो सकता है। बिजनेस में विदेशी स्रोतों से धन कमाने में भी कामयाब हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सुधार हो सकता है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। कुंभ। अपनी सीमाओं से बाहर जाकर अगर आप कोई ऐसा काम कर रही है जो दूसरों का दिल दुखाता है तो आपको इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अपने जीवन साथी का अपमान भी न करें। अपने परिवार के साथ दिवाली की खुशियां मनाएं और दूसरों की जिंदगी में दखल देना कम करें। धन की कमी तो नहीं रहेगी मगर फिजूल खर्च करने से आपको कहीं की पैसों की कमी खलेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।